वेलकम बैक वाइल्ड लाइफ लवर्स। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने हल्दू पड़ाव के एफआरएच तक का सफर पूरा किया, आज के इस वीडियो में मैं आपको हल्दू पड़ाव के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का पूरा एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। अगर आप हल्दू पड़ाव जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको हल्दू पड़ाव के न्यू एफआरएच और ओल्ड एफआरएच दोनों की पूरी डिटेल्स देने वाला हूं। हम यहां की कमियां और यहाँ की अच्छाइयां दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, अब मैं आपको यहाँ के साइट का थोड़ा सा टूर देता हूँ। जैसे ही आप हल्दू पड़ाव के गेस्ट हाउस में इस गेट से एंट्री करते हैं, इस सड़क से आते हैं, इस गेट से एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है यहाँ पे। ये पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग इस कैंपस को कवर करती है। तो आप देख सकते हैं ये साथ साथ कैंपस की बाउंड्री के साथ साथ पूरा ऐसा घूमते हुए जा रही है और पीछे से ऐसे घूमते हुए वापस वहाँ से, वो अगर आपको पोल्स दिख रहे हैं तो वो पीछे से वहाँ से पोल्स के साथ साथ होती हुई ऐसे कवर करती है ताकि हाथी जो है इस कैंपस में ना घुसें। अब अगर मैं इस कैंपस की बात करूँ तो गाइस ऊपर यहाँ पे दो कमरे हैं। एक कमरा ये है जिसमें हम रुके हुए हैं और एक कमरा वो है, और नीचे जो है यहाँ पे कैंटीन है। तो कैंटीन में अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ कैंटीन किस टाइप की है। तो और यहाँ पे जो है ये स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे स्टाफ वाले रहते हैं। शाम का समय हो गया है, इवनिंग में काफ़ी सुंदर सा एक व्यू हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैंटीन में आपको लेके दिखाता हूँ ये कैंटीन का क्या सीन है, तो यहाँ पे ये भैया यहाँ पे कैंटीन टेक केयर करते हैं। यहाँ पे ये दो टेबल हमारे पास, एक टेबल और दो टेबल, बिकॉज दो रूम है तो दो फैमिली के लिए दो टेबल एक तरीके से रखी गई हैं। ये पीछे यहाँ पे रूम, यहाँ पे किचन है और यहाँ पे ये खाना बन रहा है। जो भी आप राशन ला के देते हैं यहाँ भैया को, भैया यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको और आपके लिए खाना बनाते हैं। भैया आपका नाम? संतोष। संतोष, इधर देख के बोलो कैमरे में, इतना क्या कहते हैं, नाराज़ क्यों, कैमरे से नाराज़ हो क्या? तो देखो यार कितनी प्यारी स्माइल है संतोष भैया की, इनकी स्माइल के लिए एक लाइक बनता है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो इनको थैंक यू जरूर बोलना, बिकॉज ये हम लोगों के लिए इतना काम करते हैं, कभी चाय बनाते हैं, कभी खाना बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इनको एक थैंक यू बोलना तो बनता है। ये यहाँ पे हमारी सारी ग्रोसरीज ला के रख दी जाती हैं और पूरे किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आइटम्स रखे हुए हैं। पीने का पानी है सारा, जो भी संतोष भाई बना रहे हैं सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। और ये यहाँ पे एक इसका पीछे से गेट है, तो विच इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग होती हैं पीछे की। सो ये नीचे का हिस्सा है यहाँ का। तो यहाँ पे देखो हमारे ये संतोष भाई को, ए देखो क्या एकदम प्याज के ऊपर हाथ, देखो गाइस घर में ऐसी प्याज न कटे, चूरा चूरा कर दिया ये। इस काम के लिए लोग घर में मिक्सियां और ग्राइंडर पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, ये संतोष भाई ने जो है हाथ से ही एकदम सेट कर दिया मामला, बहुत ही शानदार। तो संतोष भैया अभी आज क्या क्या बन रहा है खाने में? हम आपको बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं दाल, चावल, पनीर की सब्जी, ओके, और रोटी। रोटी, सो दाल कौन सी अपनी? दाल पीली वाली, तुअर की दाल, अरहर की दाल, और पनीर की सब्जी हो गई, रोटी हो गई, और क्या कहते हैं आपने क्या बताया, चावल। चावल, बहुत बढ़िया। सो अभी 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 हम आपके लिए चाय बना रहे हैं। ओके, चाय बना रहे हैं भैया, बहुत ही बढ़िया है और शानदार लग रहा है। तो शायद इसके साथ बटर और ब्रेड भी चलेगा, तो आई थिंक बटर और ब्रेड जो है भैया ऊपर रह गया रूम में। मैं आप लगा रहे हो तो लगा दो, नहीं तो ऊपर रह गया, मैं अभी ला के दे देता हूँ आपको, मैं आपको ला के दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे ब्रेड बटर भी हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं, तो इवनिंग में काफी मजा आने वाला है। भैया इसके साथ में जो रूम है वो कौन सा है इधर पे, इसके साथ में जो रूम है ये क्या है इधर पे, इसी के साथ वाली? ओके, सो गाइस नहीं जाऊं, अरे मैं दूर से देख के आ जाऊं, कोई नहीं। तो गाइस साथ में जो ये यहाँ पे बना हुआ है ये ड्राइवर्स की डॉर्मेट्री बनी हुई है, जिसका एंट्रेंस जो है ये यहाँ से है, ये एंट्रेंस गेट है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स का रूम है, अभी अंधेरा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट गुड थिंग इज़ क्योंकि यहाँ पे साथ में ही है ड्राइवर्स की क्योंकि यहाँ पे साथ में ही है ना ड्राइवर्स की डॉर्मेट्री, तो आपको ड्राइवर्स के साथ अलाइनमेंट करने में सुबह कितने बजे जाना है, शाम को कितने बजे मतलब रेडी रहना है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें जो है आप आराम से कर पाएंगे, वो एक अच्छी चीज़ है। अभी कैंपस का ये गेट खुला हुआ है, मतलब यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर नहीं छोड़ी गई है, वो थोड़ी देर बाद छोड़ी जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ ओल्ड FRH में, ये जो बिल्डिंग आपने देखी थी ये न्यू FRH की बिल्डिंग है। अब यहाँ पे ओल्ड FRH में लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ओल्ड FRH का कैंपस दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये काफ़ी पुराना एक पीपल का पेड़ है, ऊपर एक लाइट जल रही है रेड कलर की, पता नहीं कौन सी खतरे की घंटी दिखा रही है। और ओल्ड FRH के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ये ओल्ड FRH का गेट है। सो पता नहीं अभी तो लाइटें वाइटें सब बंद होंगी, यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे अंदर, सो अगर आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉरेस्ट 1892, तो ये 1892 में बना हुआ गेस्ट हाउस है गाइज। सो ये 1892 में बना हुआ गेस्ट हाउस है और बहुत ही पुराना गेस्ट हाउस है अगर मैं आपको बताऊं उस लिहाज से। तो ये भी अभी यहाँ पे अंधेरा है तो मैं इसमें अंदर अभी नहीं जाऊँगा, जब ये कल सुबह खुलेगा तो एक बार इसको कल सुबह भी चेक कर लेंगे। बाकी ये यहाँ पे इसका पीछे का एरिया है और यहाँ पे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लगी है तो हल्दू पड़ाव के बारे में, तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके हल्दू पड़ाव के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, किस तरीके के पेड़ हैं। सो यहाँ पे आप कैंपस में देख सकते हैं बैनियन ट्री, यहाँ पे भी कैंपस में बैनियन ट्री और एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है विच इज़ वेरी गुड, यूजुअली सब जगह देखने को नहीं मिलता है। सो और नेचुरली इस मंदिर के अंदर देखिए दो जड़ों के बीच में एक गेट सा बना हुआ है, आई डोंट नो, जय माता दी। सो यहाँ पे भगवान जी की एक मूर्ति है, सो जय हो प्रभु, जय माता दी। और ये ऊपर एक नेचुरल सा एक कवर सा बना हुआ है। सो अब अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ साइड में बाउंड्री पे, तो यहाँ पे आप देखिए साइड बाउंड्री में नीचे का जो रिवर बेड का जो व्यू है यार, रात में ना यहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि इस रिवर बेड में टाइगर का मूवमेंट हो। सो इन जिन घासों में मैं चल रहा हूँ दीज आर नॉट गुड, यहाँ पे स्नेक्स वगैरह हो सकते हैं, बट स्टिल। सो ये हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए। सो ये देखिए क्या नज़ारा है रिवर का, शानदार, बहुत ही जिसको कहते हैं। और यहाँ से अपने को पूरा कैंपस दिखता है और ये हमारे को ओल्ड FRH की बिल्डिंग, वो न्यू FRH की बिल्डिंग, और ये यहाँ पे एक छोटी सी मचान बनी हुई है जिसमें हम रात में बैठ सकते हैं। और ये यहाँ पे कैंपस की वायरिंग जा रही है। सो गाइज ये नीचे जो रिवर का जो व्यू आ रहा है यार, ये ऑसम है, आप देखो कितना शानदार है। यहाँ से देखो हम कितने हाइट पे हैं यहाँ पे, तो व्यू वाइज और लोकेशन वाइज बहुत अच्छी जगह है, नेचुरल और सीनिक ब्यूटी से पूरी भरी हुई है। सो ये है टोटल कैंपस का नज़ारा गाइज, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये जो ओल्ड FRH की बिल्डिंग है यार, इसको ना हॉन्टेड भी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न है, अभी मैं मनी जी से पूछूंगा जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो बताएंगे कि ये हॉन्टेड क्यों है। और कहते हैं इसके कुछ कमरों में से आवाज़ें आती रात में, तो ठीक है देखते हैं। मैं तो अभी यहाँ तक गया था, मैंने गेट भी खोला, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, और मनी जी हैं उनसे थोड़ा सा पूछेंगे समझेंगे, और होगा तो एक चक्कर भी लगाएंगे रात में। सो गाइज आइए मैं फटाफट अब आपको हल्दू पड़ाव गेस्ट हाउस के ना रूम दिखाता हूँ कि किस तरीके के रूम हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, कितने स्पेशियस हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं।
आइए फटाफट। आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम। तो गाइस इस तरीके का रूम आपको मिलता है यहाँ पे। इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं डबल बेड के नाम पे, मतलब डबल बेड की बुकिंग होती है, लेकिन आपको दो सिंगल सिंगल बेड मिलेंगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे दो फ्रेंड आ गए, जैसे मैं और दो भाई हैं, तो सबका इंडिविजुअल अपना अपना बेड हो जाता है। तो डबल बेड के लिए आप कभी ये कंफ्यूज मत होना कि आपको एक प्रॉपर डबल बेड मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बेड होता है जो कि यहाँ पे रखा है, अगर आप उसकी डिमांड करेंगे तो वो आपको सेट करके ऐसे दे देंगे, नहीं करेंगे तो साइड में ऐसे कोने में पड़ा रहता है। तो मतलब अगर आप कभी बच्चे के साथ आ रहे हैं जो थोड़ा मतलब मान लीजिए बड़ा है, 7-8 ईयर्स का, तो यू कैन यूटिलाइज दैट। अच्छी चीज है, उसके पैसे भी नहीं लगते हैं। और काफी स्पेशियस रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपके लगेज रखने का सामान मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, यहाँ पे एक रैक मिलेगा, हैंगर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, अच्छी वाइड विंडोज हैं, इधर भी विंडोज हैं, ये टेबल है, सोफा है एक छोटा सा जो कि आप यूज कर सकते हैं, कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है तो। देन यहाँ से व्यू अच्छा है, पुरानी विंडोज हैं, व्यू अच्छा है, यहाँ से जंगल का व्यू है, तो अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो अच्छी आवाजें भी आती रहेंगी और व्यू भी अच्छा मिलता रहेगा। इधर पे ये मैट्रेस वगैरह रखने के लिए, बाकी सामान रखने के लिए ये एक जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपना कुछ भी लगेज एक्स्ट्रा, अगर ज्यादा लगेज है तो वो रख सकते हैं। एक सिटिंग चेयर मिल जाती है, मान लीजिए अगर आपको कुछ फैमिली के साथ आए, आपस में कुछ डिस्कस करना है, बेड पे नहीं बैठे चेयर पे बैठने जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पीछे साइड पे आते हैं तो बाहर एक आपको सिंक मिलेगा, और यहाँ पे एक पावर का पॉइंट दिया, दो पावर पॉइंट है, एक बाहर है और एक यहाँ पे है पूरे रूम के अंदर, और ये वॉशरूम की लाइट है। तो यहां से अगर आप अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके का वॉशरूम है। काफी नीट एंड क्लीन तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बिजरानी के कैंपस के कंपैरिजन में या डिखाला के कंपैरिजन में उतना नीट और क्लीन नहीं है, बट स्टिल अगर काम चलाना पड़ रहा है तो काम चलाने के लिए ओके है, उसमें कंसर्न नहीं है। लेकिन पॉइंट इज पानी बहुत धीरे आता है, ये स्पीड से पानी आता है, तो इस स्पीड के पानी के साथ बाल्टी को भरने में ही अगर आप लगाएंगे कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो आपको अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, आप नहाना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और गर्म पानी नहीं आता, ये गर्म पानी का नलका है, ये बंद पड़ा है। तो यही है अंदर का। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूम के अंदर सिर्फ एक लाइट है जो कि एक 9 वॉट का LED बल्ब लगा हुआ है। तो पूरे जंगल में जब रात में अंधेरा होता है, आपके रूम में सिर्फ एक यही लाइट जल रही होती है। एक ना बहुत ही शानदार और एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है जब पूरा जंगल डार्क होता है और आपके रूम में सिर्फ एक लाइट होती है। और आप देखेंगे सीलिंग जो है ये टीन शेड के नीचे, यहाँ पे ऊपर टीन है ताकि पानी लकड़ी को खराब ना कर सके, और नीचे जो है ये लकड़ी की सीलिंग है। तो ये काफी पुराना बना हुआ है, ये अंग्रेजों के टाइम का तो नहीं है, लेकिन बाद में बनाई है, बनाया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, पुराने तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर, फॉरेस्ट में जैसे घर बनते हैं। तो छत जो है लकड़ी की बनाई गई है, बीम्स भी है ये भी लकड़ी के हैं, लेकिन उसके ऊपर टीन लगा दी गई है ताकि लकड़ी सड़े नहीं पानी से। ओके सो गाइज वेलकम बैक, आज हमारा सेकेंड डे है, और फर्स्ट मॉर्निंग सफारी है सेकेंड डे की। आज सुबह उठे, ये हमारा रूम है आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे ना काफी सारे कंसर्न्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टे। वॉशरूम में अब सुबह सुबह आप उठेंगे, पहली चीज तो गर्म पानी नहीं है, कल दोपहर में भी हमने ठंडे पानी से ही नहाया था और ठंडा पानी यूज किया, दिन में चल जाएगा बट ये चीज मॉर्निंग में एक्सेप्टेबल नहीं है। पानी चलिए ठीक है, ठंडा है गर्म है वो एक अलग चीज है, सुबह सुबह पानी चला गया, क्यों चला गया मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ यहाँ पर आप देखिए, ये सारी फैसिलिटीज इसमें दे रखी ये है। अगर ओके सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह पानी नहीं आ रहा है, ये देखिए इसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर गर्म पानी का, इसमें तो कभी गर्म छोड़ो ठंडा भी पानी नहीं आता, ये ठंडा पानी का, ये भी खत्म और ये भी खत्म। सो यहाँ पे ऑल इन ऑल ये हालत है, क्यों हो रखी है, क्योंकि साइड वाले वॉशरूम में कोई पानी यूज कर रहा है। सुबेरे सुबह का टाइम है, अगर सफारी पे जाना है तो लोग लगभग लगभग साथ में ही उठेंगे तो साथ में ही सर्विसेज को यूज करेंगे। अब वो यूज कर रहे हैं तो हमारा पानी बंद है, हम यूज कर रहे हैं तो उनका पानी बंद है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने ऊपर टैंक लगाए, दो पाइप अलग अलग इंडिविजुअल नहीं लग सकते थे क्या,
आपने एक शेयर्ड पाइप से दोनों वॉशरूम का काम चलाने के लिए लगा दिया। दिस इज रियली पैथेटिक एंड आई रियली वांट टू से कि इस टाइप की सर्विसेज अगर बंदे को मिलेगी तो कैसे आएगा। हम कल से यही बात करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म नहीं है, इस तरीके की सर्विसेज। तो मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को बोलना चाहता हूँ, भैया यहाँ पे मत आना, बिल्कुल मत आना। यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपने एनर्जी को वेस्ट करोगे। टाइगर तो जो दिखे ना दिखे उसकी बात ही अलग है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सेकेंड डे फर्स्ट सफारी। आज मेरे साथ सर हैं, उड़ीसा से हैं ये, हमारे साथ नेक्स्ट वाले रूम में थे। तो सर, आप लोग अभी यहाँ पे कितने दिन के स्टे के लिए हैं? हम लोग तो एक ही दिन के स्टे में आए थे। अच्छा, तो यस्टरडे एंड आज का सफारी करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो मतलब वन नाइट की सफारी पे आप लोग यहाँ पे थे? जी जी। तो कल एक सफारी हुआ शाम को, आज सुबह। तो कैसा रहा कल की सफारी का एक्सपीरियंस? हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए थे एंड कि कुछ मिलेगा, एंड दो डियर, स्पॉटेड डियर और बार्किंग डियर दो देखने के लिए मिला एंड थोड़ा लेट में भी हम लोग रीच किए, तो काफी कम टाइम के लिए था। तो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे से रेडी हो गए हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक चीज यहाँ का सबसे अच्छा है कि व्हाट आई हैव नॉट विजिटेड अदर प्लेस, बट यहाँ का सबसे अच्छा लगा कि वो जो नदी जा रहा है उसको जो क्रॉस किए उसका एक्सपीरियंस मजेदार था। जिप्सी बीच में अटक रहा था एंड वो पानी स्प्लैश, तो दैट वाज वेरी नाइस। वो प्लेन नदी जब क्रॉस कर रहे थे हम लोग, 3 बार क्रॉस किए कल, तो दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो रिवर के बीच में से जो गए थे, दैट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस। सो एक तो वो चीज हो गई, प्लस इसके साथ ना मैं यहाँ की फैसिलिटीज और इस लैंडस्केप के बारे में पूछना चाहूंगा। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक की हाउ इज दिस लैंडस्केप, हाउ डिड यू फाइंड दिस लैंडस्केप, एंड सेकंड इज की यहाँ की फैसिलिटीज। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? लैंडस्केप तो काफी अच्छा है, मतलब इट्स अ वाइड एरिया है और प्रिविलेज भी यहाँ पे, मतलब जंगल का जो फीलिंग है वो भी मिल रहा है। फैसिलिटी के बारे में बोलूंगा कि नॉर्मली अगर हम बच्चे के साथ, अभी मेरे साथ बच्चा है, सो एटलीस्ट गीजर इज मस्ट। सो दैट नवम्बर इज विंटर में जब आप ये ओपन कर रहे हो तो आपको मिनिमम फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए, और कुछ हो ना हो। थैंक गॉड के हम लोगों के पास थोड़ा बहुत अरेंजमेंट था, इसलिए वी विल मैनेज, बट लेट्स होप कि वो लोग थोड़ा डेवलप कर दे अपने आप। यही आई थिंक मैं भी पिछली क्लिप में जो मैं दिखा रहा था कि फैसिलिटीज के मामले में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक लथार्जिक अप्रोच ली हुई है। तो ये सब चीजें आपको दिखाला, बिजरानी, झिरना, इन सब जगह नहीं देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब फैमिली आ रही है, बच्चे के साथ आ रही है, सुबह सुबह 5-5:30 बजे इतना 3-4 डिग्री का ठंडा पानी कैसे मैनेज होगा? तो यही मैं बताना चाह रहा था। दैट वाज अ वेरी पैनिक, और में भी पानी नहीं आ रहा था, मतलब सुबह एक कहीं में आ रहा था, मैं चालू कर रहा था तो इनका बंद हो रहा था और ये लोग चालू कर रहे थे। आज के युग में बाल्टी में डाल के डालो, इट वाज लाइक वी आर अगेन बैक टू द स्टोन एज। बट स्टिल आई थिंक इतनी खूबसूरत जगह को खूबसूरती से एड ऑन किया जाता है, ना कि चीजें लैक कर मसाला डाल के, मिर्ची डाल के उसकी ऐसी की तैसी करी जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे वो चीज हो रही है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेज रहेंगी और अगर कुछ हमारी तरफ से हेल्प रहेगी, बट बिकॉज एज ए टूरिस्ट हम भी यहाँ कुछ गंदा नहीं कर रहे हैं, हम भी कुछ गलत चीजें नहीं कर रहे। तो आई थिंक वी एक्सपेक्ट यू कि आप भी हमें ऐसी ही चीजें प्रोवाइड करें। और लास्ट में ये ओल्ड FRH है, इसके बारे में कुछ कहानी या कुछ हिस्ट्री पता है क्या? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, बस एक बार विजिट गए थे। अच्छा, ब्रिटिश के टाइम से बना है, 1892 का बना हुआ है और कुछ हॉन्टेड सी प्लेस कही जाती है। तो आई डोंट ये वाला कहते हैं, इसमें रात में आवाजें आती है, कोई लेडी वेडी कुछ, इसमें कई साल पहले कुछ मर गई थी तो उसकी आवाजें आती। तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कल? आप लोग यहाँ पे अर्ली इवनिंग को आ गए थे, तो आप लोग अंदर भी गए थे? हाँ, अंदर भी देख के गए। हम लोगों को मना किया था अंदर, बच्चा था वो घुस गया, हम लोग जाके देख के आ गए, कुछ ऐसा नहीं लगा हम लोगों को? नहीं, वैसे कुछ नो, आई थिंक आई डजंट नो, आई कैनॉट सी, सो दैट्स नथिंग। ऑसम। तो आई वुड से कि हम रात में भी भटक रहे थे, सर लोग मैडम लोग सब लोग अंदर चले गए, हम तो अंदर गए थे, मतलब पता नहीं था चले गए थे। अभी आपसे सुन रहे हैं कि हॉन्टेड है। अब सुना तो आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, फिर भी जाएंगे फिर भी जाएंगे अभी तो दिन हो।